जो लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो ले और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। 13 जुलाई को विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है। उसके बाद से कहीं ना कहीं बिहार में सियासत तेज हो गई है। इस बात को लेकर चिराग पासवान आज एयरपोर्ट पहुंचे और उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। क्या कुछ कह रहे चिराग पासवान, पहले उनकी बातों को सुनिए। जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य की सरकार अपने अधिकारों को या आपकी नीतियों से असहमत होने वाले हर व्यक्ति के खिलाफ लाठी चलाने का काम करती है और वो भी लाठी इस बर्बरता से भांजी जाती है कि उसमें एक व्यक्ति की जान चली जाए, भाई कहाँ का न्याय है ये? जो लोग बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? सही मायनों में लोकतंत्र की खूबसूरती होता है जहां पे सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष भी अपनी बातों को उतनी मजबूती से रख सके। पर ये कैसा लोकतंत्र है भैया, जहां पे अगर आपके खिलाफ हर वो आवाज जो उठेगी, भले वो छात्रों की हो, वो शिक्षकों की हो, वो अभ्यर्थियों की हो, वो किसान सलाहकारों की हो, हर उस आवाज को या जनप्रतिनिधियों की, आप हर उस आवाज को दबाने का आप काम करेंगे, इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक किसी भी राज्य के लिए और कुछ नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जिम्मेदारी लेनी होगी। भाई प्रदेश के गृह मंत्री क्यों नहीं जिम्मेदारी लेंगे? वो प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदारी देनी होगी और जवाबदेही तय करनी होगी। कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस लाठी चार्ज में जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, इस बात की जिम्मेदारी वो ले और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हद है इस तरीके की, इतनी बड़ी एक घटना घट जाती है, उस परिवार का क्या? मुख्यमंत्री को तो फर्क पड़ता नहीं, आज तक किसी पीड़ित परिवार से जाकर मुख्यमंत्री जी ने मिलना जरूरी नहीं समझा, पर उस परिवार का क्या जिसने अपने सदस्य को खोया? उस परिवार के घर पे कल आप में से कई साथी मौजूद थे, जिस परिवार ने इस बात को बताया कि कैसे सुबह वो तैयार होकर इस कार्यक्रम के लिए वो निकले और शाम को वो व्यक्ति की जगह उस व्यक्ति की लाश उस परिवार वालों के घर पर आती है, अपने घर पर उसकी लाश जाती है। और ऐसे में इस तरीके के बयान देना, भाई थोड़ी तो संवेदना रखिए। राजनीति करते 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 आप इतने ज़्यादा राजनीति में उलझ जाएंगे कि किसी कोई व्यक्ति जिए या मरे तब पर भी आप पे कोई असर नहीं पड़ता। आप लोग इस्तीफे की मांग करेंगे? भाई अब राजद के बारे में क्या बोले, राजद के लोग कुछ दिनों पहले ये लोग भी तो लाठी खाए थे, उस वक्त तो हाय तौबा मचाया जा रहा था। उस वक्त जब इनके साथ ये घटना घट रही थी, जब इनके विधायकों को मार्शल के द्वारा जब पकड़ पकड़ कर बाहर लाया जा रहा था, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान यही लोग थे और यही लोग मुख्यमंत्री को उस वक्त तानाशाह और क्या नहीं बोल रहे थे। और आज जब ये उनके साथ है तो इनके स्वर बदल जाते हैं। दिक्कत यही है ना, राजनीति में आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी बातें अलग होती हैं, विपक्ष में जाते हैं तो आपके स्वर अलग हो जाते हैं। मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग करेंगे? भाई मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की हम कोई मांग नहीं करते भैया। जिनको जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता ने इनको भेजा यहाँ पे, तीसरे नंबर की इनको पार्टी बना दिया, कभी इसकी बैसाखी कभी उसके सहारे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। जो खुद दूसरे के कृपा पे मुख्यमंत्री बने वो उनका इस्तीफा हम लोग क्या लें भैया? जिनको जनता ने ही रिजेक्ट करके रखा उनके इस्तीफे की क्या जरूरत है? इस चुनाव में किसी ना किसी जोड़ तोड़ से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, आने वाले चुनाव में। तो आपने साफ तौर पर सुना कि चिराग पासवान का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हो गई है, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब आप पक्ष में होते हैं तो कार्यकर्ता जो हैं आप विरोध तो करते ही हैं, आवाज़ उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाठी चार्ज करके उनकी हत्या कर दी जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।